चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। ये गाना साल 2005 में आई उस इमोशनल ड्रामा फिल्म मैं ऐसा ही हूँ का है, जिसमें सिंगम अजय देवगन की बेटी गुनगुन का भोला भाला किरदार निभाने वाली नन्ही चाइल्ड आर्टिस्ट ने अपनी मासूमियत भरे अंदाज से सबका मन मोहते हुए लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे। हालांकि इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 18 साल बीत चुके हैं, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि फिल्म में मासूम सी बच्ची गुनगुन का शानदार रोल प्ले करने वाली वो चाइल्ड आर्टिस्ट आज कहाँ है, क्या कर रही है और कैसी दिखती है? शायद नहीं। तो आइए आपको इनके बदले हुए अंदाज से रूबरू करवाते हैं, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फिल्म में अभिनेता अजय देवगन की परछाई की तरह साथ रहने वाली इनकी बेटी गुनगुन का असली नाम रुचा वैद्य है, जिनका जन्म 27 मार्च 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई है। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के चलते ये पेरेंट्स के सपोर्ट से साल 2005 में फिल्मी दुनिया में आई, जहां पर इन्होंने अपनी पहली फिल्म मैं ऐसा ही हूं मैं गुनगुन की भूमिका निभाकर खूब शोहरत भी पाई, जिसके बाद इन्हें एक अजनबी और जोधा अकबर जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन जो प्रसिद्धि इन्हें गुनगुन की भूमिका से मिली वो किसी और से नहीं मिल सकी, जिसके बाद इन्होंने एक्टिंग छोड़ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए रंग रूप की, तो जहां 7-8 साल की गुनगुन के रोल में ये टॉप पजामी और फ्रॉक पहने हुए परकटी बालों के साथ अपने गोलमोल चेहरे पर शानदार से मुस्कान लिए बहुत ही क्यूट नजर आई थी, वहीं आज ये अपनी 26 साल की उम्र में साड़ी और जींस टॉप कैरी करते हुए अपने गोरे चिट्टे रंग रूप के साथ पतली दुबली पर गॉर्जियस दिखता है बस फर्क इतना है कि इनके नूर से चेहरे से बचपन की वो प्यारी सी मुस्कान कहीं खो गई है। लेकिन अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इससे जुड़ी कोई डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है और आज ये साल 2019 में आई फिल्म झूठा कहेंगा के साथ अपने करियर को विराम देकर मुंबई में अपनी फैमिली के साथ लवली टाइम स्पेंड कर रही है। वेल दोस्तों, क्या आप गुनगुन को एक नजर पहचान पाए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।